दोस्तों कमांडोस गेम तो आप लोगों ने खेला ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा हो जिसने कमांडोस गेम ना खेला हो। अपने दौर के मशहूर तरीन गेमों में से एक गेम है कमांडोस। कमांडोस की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इसकी जो कंपनी थी उसने जो है इसको देखते हुए इसकी पॉपुलैरिटी को कमांडोस के काफ़ी सारे पार्ट्स निकाले। मगर फिर हुआ कुछ यूँ कि वक्त जो है वो चेंज हुआ, लोग जो है मॉडर्न गेमिंग की तरफ आ गए, लोग जो है फर्स्ट और थर्ड पर्सन गेम की तरफ आ गए, तो फिर जो कमांडोस की जो पॉपुलैरिटी थी वो वैसी ना रही जैसे उसकी पहले थी। ऐसा नहीं कि कंपनी ने कोशिश नहीं की, कंपनी ने जो है इसका थर्ड पर्सन गेम भी बनाया कमांडोज का, मगर उसको वो जो है इसको जो पॉपुलैरिटी वो ना मिली जो उसकी पहली जो प्रीवियस गेम से उसको मिली थी। तो गाइस आज जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऐसे गेम की तरफ जो है तो कमांडोज की तरह मगर आज के मॉडर्न गेमिंग के हिसाब से वो बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उवैस है और आप देख रहे हैं टेक्नोफाइड उवैस। चलते हैं और करते हैं फिर इस गेम का रिव्यू। दोस्तों आज हम जिस गेम का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका कोड नेम है रेड ग्लेयर, जो कि कमांडोज की तरह बना हुआ है। इसके अंदर सिर्फ कमांडोज के जो फीचर्स हैं वो भी हैं, इसके साथ साथ मजीद जो है नए नए फीचर्स भी हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसके जो है इंट्रो थोड़ा देना चाहता हूँ इसकी कंपनी के बारे में। तो खास बात यह कि जो कंपनी ये गेम बना रही है वो एक पाकिस्तानी कंपनी है। उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि ये अकेला एक डेवलपर है जिसका नाम है बिलावल तालपुर, वो इस गेम को बना रहे हैं। और उनका ये पहला गेम नहीं है, इससे पहले भी ये काफ़ी सारे वो गेम जो है बना चुके हैं और उनके स्टीम पे जो है वो सेल भी हो रहे हैं। तो मैं बिलावल तालपुर को थम्सअप करता हूँ कि आप जो है ऐसे ही गेम बनाते रहें और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहें। दोस्तों अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये जो है World War II के अकॉर्डिंग जो है बना हुआ है गेम, और जो है इसमें कमांडोस के वही फीचर्स हैं जो पहले जो कमांडोस में हुआ करते थे। थोड़ा सा हम उसको रिव्यू कर लेते हैं उन फीचर्स को, जैसे कि जो है आपके जो है मल्टीपल जो है आपके करेक्टर्स हुआ करते थे जिसके थ्रू आप जो है गेम खेला करते थे। इसके अलावा जो है आपके पास जो है एनिमी को आप जो है मुख्तलिफ तरीके से मार सकते थे, नाइफ के थ्रू भी, गन के थ्रू भी, या उसको जो है आप बेहोश भी कर सकते थे, और उसके कपड़े वगैरह या उसके जो गन्स वगैरह हैं वो आप जो है चोरी भी कर सकते थे। इसके अलावा उसमें एनिमल भी, डॉग वगैरह भी हुआ करते थे, तो वो भी इसके अंदर जो है मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है आपकी जो है आप जो है समंदर वगैरह के अंदर जो है आप जो है शिप वगैरह चलाते थे, तो वो भी इसमें जो है मौजूद है वो सारे फीचर्स। इसके अलावा जो है इसमें अगर हम जो है थोड़े नए फीचर्स की तरफ आते हैं तो उसमें जो है जैसे डे और नाइट का जो इसमें साइकिल है वो डायनामिक है कि ऑटोमेटिकली जो है वो रात भी हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो है सुबह भी हो जाएगी। इसके अलावा इसी तरह जो है वेदर का भी फीचर है कि ऑटोमेटिकली जो है आपका जो है सूरज निकल जाएगा, आपका जो है वो बारिश होना शुरू हो जाएगी और इसी तरह जो है स्नो वगैरह होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह के इसमें जो है फ़ीचर्स हैं, ये नए कुछ आपको मैं फ़ीचर्स बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है वो यूज़ हो रही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपका जो फुट प्रिंट है उसको ट्रैक करके आपको एनिमी जो है वो पकड़ सकती है, या आपको जो फुट का साउंड है उसके थ्रू जो है एनिमी जो है वो अलर्ट हो सकती है। इसके अलावा जो गेम के जो मिशन है आप उसको जो है मल्टीपल तरीक़ों से जो इसको कम्प्लीट कर सकते हैं। और अगर हम इसके जो है मैप की बात करें जो दूसरे जो गेम्स हैं उसके मुकाबले में इसका मैप जो है बड़ा भी है और ज़्यादा जो है ओपन भी है। दोस्तों इसके अंदर कुछ रियल टाइम जो है वो रात के फीचर्स भी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे आमतौर पे होता है कि हम लोगों को जो है रात में जो है प्रॉपर नहीं दिख रहा होता है इतना जितना कि दिन में दिख रहा होता है। तो गेम के अंदर भी ऐसा ही है कि एनिमी जब आपको कैप्चर करेगी तो वो आपके जो फुटप्रिंट्स आ रहे हैं वो आपके दिन में तो आसानी से देख सकती है मगर रात में आपके फुटप्रिंट्स को नहीं देख सकती। इसके अलावा जो उसकी आई साइट है वो वैसे जो है रात में वर्क नहीं करेगी जैसी जो है वो दिन में वर्क करती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मज़ीद और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अकॉर्डिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, जैसे कि डायनामिक वेदर हो गया, डायनामिक डे एंड नाइट साइकिल हो गया, और इसके अलावा डायनामिक इंटीरियर्स वगैरह हो गया। और भी मज़ीद जो फीचर्स हैं इसमें जो है अभी वो ऐड हो रहे हैं क्योंकि अभी गेम जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। नेक्स्ट ईयर जो है ये इंशाल्लाह जो है गेम 2023 में लॉन्च हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर जो है ये गेम आता है। अभी फ़िलहाल जो है मैं आपके साथ जो है कुछ वीडियोज़ इसकी शेयर कर रहा हूँ, और जो है अगर आपको पसंद आया वीडियो तो उसको जो है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। इसके अलावा जो है इसका जो है आर्टिकल आया था IGN पाकिस्तान पे, आप जाके जो है वहाँ पे देख सकते हैं और मज़ीद इसके फीचर्स के बारे में जो है वो भी आप जो है चेक कर सकते हैं। Yes, sir. Understood, sir. No problem. Great planning, sir. Let's get going. Something.
need a target. Aha. Indeed. Great planning, sir. Whatever the hell. Let's go. Find the assassin. Perfect. Bloody Snickers. Coming, sir. Very well. I agree. Very well. What happened to him? Oh shit, he is. Find the assassin. Yes, sir. Aha. Whoa, what's that? I understand. Yes, sir. Seriously. The killer happened to him. Yeah. What happened to him? Keep what happened to him?